बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो कलर डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत प्यारा कलर डिज़ाइन है। आप इस नेक डिज़ाइन को जरूर बनाइएगा अपने कपड़ों पर। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगी इसकी कटिंग करना, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना करिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपको ये कलर बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बकरम का पीस ले लिया है, जिसकी लंबाई है तकरीबन 8 इंच और इसकी चौड़ाई हमारे पास है 5 इंच। यहाँ पर पहले हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे गले की चौड़ाई का, और उसके बाद हमने यहाँ पे 6 इंच पे गले की लंबाई रखनी है, और इस तरह से इसको मार्क कर देना है। यहाँ पर फिर हमने एक लाइन ड्रा करनी है इस तरह से, और यहाँ पर हम चकोर डबल जो है उसकी शेप दे देंगे यहाँ पर, और निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से एक चकोर शेप में डब्बा बना लेंगे। और आगे इसका जो प्रोसेस हमने करना है वो ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर हमें 1.25 इंच जो है वो दूरी पर निशान लगाना है, और इसकी यहाँ पे जो लंबाई है वो 2 इंच हमने रखनी है, और चौड़ाई हमने इसकी 1.25 इंच पर रखनी है, 1.8 इंच पर। और इस तरह से हमने यहाँ पे फिर एक डब्बा बना लेना है। इस तरीके से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा गला बनाना। बेशक अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप बहुत आसानी से गला कटिंग कर सकेंगे। और अब आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने इसको शेप देनी है, तकरीबन लीव्स की तरह की शेप आपने इसको दे देनी है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से इसको पहले डार्ट्स लगा के क्लियर करें, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बनाएंगे तो इससे फिर गला जो है उसकी शेप में ख़राब भी हो सकता है गला। तो पहले आप बारीक निशान लगा लें, और उसके बाद फिर निशानों को आपसे मिला दें इस तरह से। ये निशान आपसे मिलाते हुए हमने इसको अच्छे से ये इसकी लाइन ड्रा कर लें, ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। ये होपफुली कि ये निशान आपको नज़र से आ रहा होगा किस तरह से हमने ये गला बनाया है। और मज़ीद अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसको और क्लियर कर दूँगी, ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। और उसके बाद हमने इसकी जो बाहर वाली कटिंग करनी है मार्जिन वाली, 1 इंच पर हमने इसकी मार्जिन रखे, तो यहाँ पर पहले इसको मार्क कर लेना है 1.5 इंच पर। इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है, और उसके बाद फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। और निशानों को अगर आप चाहते हैं तो मिला दें आप इसमें, नहीं तो आप ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। वैसे भी ये मार्जिन वाली साइड है, तो इस तरह से आपने बाहर वाली साइड से भी कटिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं तो आप पहले अंदर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले बाहर से ही कर दी है। तो अब ये जो निशान हमने लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर हमने सेम इसी तरह से कटिंग करनी है, और कोशिश करिएगा कि ये जो निशान आप लगाएंगे उसके अंदर अंदर ही रहें, उसके बाहर ना जाएं। और बिल्कुल लाइन के ऊपर आपने कटिंग करनी है, ताकि जो शेप हम देना चाह रहे हैं उसी तरह से हमको शेप मिले। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बहुत टाइम का अगर आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए गला हमारा कटिंग हो चुका है, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो इसकी डिज़ाइनिंग भी मैं आपको बता दूंगी, और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी सिलाई की जो वीडियो है वो शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।